आज का दिन हमारे राजनीतिक इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक मील का पत्थर लगाया गया था इसी दिन 30 साल पहले। 30 साल पहले 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ और मेरा मानना है और कई लोगों का मानना है कि राजीव गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा योगदान हमारे राजनीति पर ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है। राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी संविधान के संशोधन लाने में, ताकि पंचायतों को और नगरपालिकाओं को अलग से विशेष रूप से संवैधानिक दर्जा दिया जाए। 1989 में लोकसभा में विधेयक पारित हुआ, परंतु राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं थी और 5 वोटों से ये संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। उसके बाद उनकी हत्या हो गई। कांग्रेस की सरकार भी आई, पहले वीपी सिंह की सरकार आई, चंद्रशेखर की सरकार आई, पर कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में ये संविधान संशोधन हो पाया, 73वां संशोधन, जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है, और 74वां संशोधन जो शहरी इलाकों में जो लोकल बॉडी हैं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। 2010 से आज हमारे प्रधानमंत्री श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं आपको याद दिला दूं और देश को याद दिला दूं कि पहली बार 2010 में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रथा 2010 में शुरू हुई और हर साल ये दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप हमारे संविधान को देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें, तो अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243, आर्टिकल 243, इसमें शामिल किया गया था राजीव गांधी जी के प्रयासों से उनके नेतृत्व में, और ये हमारे संविधान का सबसे लंबा, सबसे विस्तार में जो प्रावधान किए गए हैं। अगर आप 395 धाराएं हैं हमारे संविधान में, पर यह विशेष धारा आर्टिकल 243 सबसे लंबा है, क्योंकि पंचायतों को और नगर पालिकाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है संविधान के द्वारा, ये सब संविधान में इसका प्रावधान किया गया, ये पहली बार हुआ है। इसीलिए ये क्रांतिकारी कदम था, प्रगतिशील कदम था, और ये हमारे देश के राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। आज अगर आप देखें हमारे देश में 32 लाख चुने प्रतिनिधि हैं पंचायती राज संस्थाओं में, 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधि पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, तीनों त्रिस्तरीय जो हमारा सिस्टम है, त्रिस्तरीय सिस्टम है, उसमें 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और इन 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधियों से करीब 15 लाख महिलाएं हैं।
45% चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं हैं। जब राजीव गांधी ने ये संविधान संशोधन की कल्पना की थी और जो अधिनियम पारित हुआ, जो विधेयक पारित हुआ, जो अधिनियम बना, उसमें महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया था। ऐसे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण देना अनिवार्य होता है संविधान के द्वारा, वो तो था ही, पर इसके अलावा पहली बार संशोधन हमारे संविधान के किसी भी प्रावधान में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था इस 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में। एक तिहाई आरक्षण महिलाओं को दिया गया था। पर खुशी की बात यह है कि महिलाओं की संख्या, जैसा कि मैंने कहा, एक तिहाई नहीं है, एक तिहाई से भी बढ़कर करीब 45% अभी महिलाएं हैं जो चुनकर आए हैं पंचायती राज संस्था में। ऐसे ही 74वां संशोधन है जो शहरी इलाकों के लिए है, नगर पालिकाओं के लिए है, और वो जून के पहले तारीख से लागू होता है। तो जून के पहले तारीख को मैं उसके बारे में बात करूंगा, आज मैं सिर्फ पंचायतों तक मेरी बातें सीमित रखना चाहता हूं। 2010 के बाद जब राष्ट्रीय पंचायती दिवस राज मनाने की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, तब यह सवाल उठा कि संविधान में तो प्रावधान है, अधिकार दिए गए हैं पंचायतों को, पंचायतों को क्या करना चाहिए, राज्यों को क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, यह सब दिया गया है। हमारी जो राजनीतिक प्रणाली हुआ करती थी 2000 जब तक ये संविधान संशोधन नहीं हुआ 1993 में, तब तक हमारी राजनीतिक प्रणाली ऐसा माना जा सकता था कि उसके दो स्तंभ थे, एक लोकसभा और दूसरा विधानसभा। पर इस संविधान संशोधन के बाद में, यानी कि 24 अप्रैल 1993 के बाद में, हमारी राजनीतिक प्रणाली तीन स्तंभ हो गए, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। और मुझे आज भी याद है जब राजीव गांधी जी ने, जब वो संविधान संशोधन विधेयक पर बोल रहे थे लोकसभा में अगस्त के महीने में 1989 में, उन्होंने कहा था कि हम जब हमारी लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं, हम हमेशा लोकसभा टू विधानसभा कहते हैं, पर इस संविधान संशोधन से ये नजरिया बदलेगा और ये नजरिया होगा ग्राम सभा से विधानसभा, विधानसभा से लोकसभा। तो यही है महत्व आज का दिन का, इस संविधान संशोधन का, जो जिसके हम 30 साल आज बना रहे हैं। जो मैं कह रहा था आपको, 2010 के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब यह सवाल उठा कि हम पंचायतों को और मजबूत कैसे करें, इनको और सशक्त कैसे बनाएं, तो 2016 में फरवरी के महीने में एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी अधिनियम, आपको याद होगा, लागू होने लगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजना नहीं, कानून, ये अधिनियम था। और इस अधिनियम के तीन मकसद थे। पहला मकसद था रोजगार देना जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार पाने में बहुत मुश्किल होता है, जो काम नहीं कर सकते हैं, ढूंढते हैं पर उनको काम नहीं मिलता। तो पहला मकसद था इनको न्यूनतम मजदूरी पर उनको रोजगार देना। दूसरा मकसद था कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में सामुदायिक संपत्तियों को
बनाने के लिए यह एक कार्यक्रम था। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मकसद जो लोग भूल जाते हैं और मोदी सरकार भी भूल गई है और उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मकसद यह था कि महात्मा गांधी नरेगा से हम पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत करेंगे, उनको एक केंद्रित भूमिका देंगे। अगर आप महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट देखेंगे, अधिनियम देखेंगे, उसमें केंद्रीय भूमिका पंचायतों की है, ग्राम पंचायतों की है। ग्राम पंचायतों से ही काम लिया जाता है, क्या काम होना चाहिए, किस पर रोजगार लगेगा, जो प्राथमिकता होनी चाहिए ये ग्राम पंचायत ही तय करते हैं। और धनराशि जो है सीधा ग्राम पंचायतों के खाते में जाता है, ये राज्य सरकार से होकर नहीं जाता है, ये सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में जाता है। तो महात्मा गांधी नरेगा, जिसको कमजोर करने में मोदी सरकार लगी हुई है, इस कमजोर जो कमजोर करने का प्रयास जो किया जा रहा है, उसका यह नतीजा है कि हमारे करीब 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत हैं, उनको पर्याप्त धनराशि नहीं मिलती और उनकी जो केंद्रीय भूमिका है इस ऐतिहासिक अधिनियम में, उसका नजरअंदाज किया जा रहा। दूसरी बात जो हमारे संविधान संशोधन में लिखा गया था कि चुनाव हर 5 साल होंगे, पंचायती राज संस्थाओं को, नगर पालिकाओं को हर 5 साल चुनाव होना अनिवार्य है। पर आप देखिए, मैं आपको सिर्फ 2 मिसाल देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। कर्नाटक में, आज सबके मन में कर्नाटक ही कर्नाटक है, तो इसीलिए मैंने कर्नाटक का मिसाल लिया, हालांकि ये कर्नाटक नहीं है, कर्नाटका है। उत्तर भारत में लोग भूल जाते हैं, इसीलिए मैं आपको याद दिलाता हूं, ये कर्नाटका है, केरल नहीं है, केरला है। मैंने संसद में भी ये कहा है, 24 दिसंबर 2022 यानी कि करीब 4 महीने पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने चुनाव करने में देरी की है। मध्य प्रदेश में एक और बीजेपी शासित राज्य है, हालांकि जनादेश उनको नहीं था, पर मार्च 2020 में किसी के गद्दारी के कारण उनकी सरकार बन गई। 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कराने की देरी के वजह से ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ हो गया है, कानून प्रणाली खत्म हो रहा है। तीसरा एक मिसाल लेता हूं हरियाणा का, वो भी बीजेपी शासित राज्य है, और ये यहां फरवरी 2021 को चुनाव होने वाले थे और हमारे पार्टी के दबाव के कारण और कई लोगों के दबाव के कारण ये चुनाव 18 महीने की देरी से अक्टूबर 2022 में हुए। तो महात्मा गांधी रोजगार नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को कमजोर करना ताकि ग्राम पंचायतों की जो भूमिका है वो कमजोर हो जाए, कम हो जाए, घट जाए, चुनाव में कराने में देरी लाना, ये सब क्या दिखाता है? ये सिर्फ यही दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी 73वां संशोधन और 74वां संशोधन में विश्वास नहीं रखती। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि सितंबर 1989 में कांग्रेस की बहुमत नहीं थी राज्यसभा में, बीजेपी के सांसद राज्यसभा में इस विधेयक
के खिलाफ वोट दिए। या तो 1989 में ही यह कानून आ जाता, पर यह राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया क्योंकि वहां विपक्ष की पार्टियां, जिसमें बीजेपी भी मौजूद थी, उन्होंने इस विधेयक को समर्थन नहीं किया। तो आज वाह वाह होगा, प्रधानमंत्री श्रेय लेंगे, फोटो खिंचाया जाएगा, पर हकीकत यह है कि यह संविधान संशोधन की कल्पना एक कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने की। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री नरसिंह राव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी, उनके कार्यकाल में 1993 में ये पारित हो पाया। और 30 साल से, खास तौर से यूपीए के सरकार में जो सशक्तिकरण हुआ पंचायतों का ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के द्वारा, वो आज कमजोर हो रहा है। पर खुशी की बात है कि कानून के मुताबिक जो एक तिहाई महिलाएं आने वाले थे, आज वो एक तिहाई नहीं है, करीब 45% महिलाएं हैं। और मैं समझता हूं ये राजीव गांधी जी ने जो सोच था कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना जरूरी है, और ये नहीं हो पाएगा जब तक हम इस कानून में प्रावधान नहीं करेंगे, संविधान में संशोधन नहीं लाएंगे। कई लोगों ने इसका विरोध किया था तब, पर आज वो हकीकत है। और ये एक तिहाई संविधानिक प्रावधान हकीकत में जमीनी स्तर पर करीब 45% है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हम हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस प्रधानमंत्री, आधुनिक आईटी इंडिया के निर्माता, डिजिटल इंडिया के निर्माता अगर हैं वो राजीव गांधी हैं, उनको याद करते हैं। हम यूपीए सरकार को भी याद करते हैं जिनके कार्यकाल में पंचायतों को एक केंद्रीय भूमिका दी गई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में, खास तौर से महात्मा गांधी नरेगा में, जो आज खतरे में है। और हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं मोदी सरकार से कि जो संवैधानिक प्रावधान है वो सही तरह से लागू हो चुनाव के संदर्भ में, या जो ग्रांट देना है पंचायती राज संस्थाओं को, सही समय पर पहुंचना चाहिए। जो कार्यक्रम है जो पंचायतों के द्वारा लागू होने चाहिए, वो सही समय पर, सही वक्त पर, सही ढंग से लागू होने चाहिए। यानी कि लेटर एंड स्पिरिट जो आर्टिकल 243 है, 243 धारा, उसको लागू करने की जरूरत है।